क्या हाल है मेरे प्यारे भाइयों गाइस, मैं हूं बोल्डन। आप सभी भाइयों को फिर से स्वागत करता हूं गाइस पोकेमॉन इन्फिनिट फ्यूजन के और एक एपिसोड में। गाइस मेरे मन में एक सवाल है, सवाल पहले आप लोगों से बोल देता हूं, ठीक है? मेरे मन में क्या सवाल है, मेरे मन में यह सवाल है कि गाइस अगर चार्मेंडर और स्क्वर्टल को अगर हम लोग फ्यूज करेंगे तो कैसा पोकेमॉन निकलेगा गाइस। मुझे ना हमेशा से देखना था गाइस, मुझे हमेशा से ये चीज़ देखना था। और गाइस अगर चार्मेंडर को चार्मिलियन बना के एंड स्क्वर्टल को वाटरटल बना के फ्यूज करेंगे तो कैसा पोकेमॉन निकलेगा। चलो गाइस सब कुछ जान लेंगे, गेम में घुसते ही, ठीक है? लेट्स गो। ओके गाइस मैं गेम के अंदर आ चुका हूँ। आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ गाइस चार्मेंडर और स्क्वर्टल को फ्यूज करके, ठीक है? मेरे पास एक स्क्वर्टल आ गया है तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। गाइस देख सकते हो चार्मेंडर और ये स्क्वर्टल, ठीक है? आप गाइस मजा आने वाला है। एंड गाइस मेरे पास अभी ढेर सारे रेयर कैंडीज भी है, आप लोग को दिखाता हूँ। देख सकते हो 28 रेयर कैंडी है, इसका मतलब मैं आराम से चार्मिलियन और वाटरटल बना सकता हूँ। बट पहले हम लोग देखेंगे ये चीज, ठीक है? पहले बैग में जाएंगे एंड देन आई एम गोइंग टू यूज गाइस डीएनए स्प्लाइसर। ये है गाइस डीएनए स्प्लाइसर, तो चलो गाइस डीएनए स्प्लाइसर यूज करते हैं। ओके फ्यूज विथ स्क्वर्टल। ओके गाइस ये वाला फॉर्म मैंने ऑलरेडी बना दिया था गाइस, जैसे कि देख पा रहे हो इसमें चार्मेंडर का रूप है, मतलब जो शेप है वो चार्मेंडर का है। बट गाइस जो कलर है, जो यहाँ पे जो सर्फेस है वो स्क्वर्टल का है। पीछे देख सकते हो एक शेल भी है, ठीक है? बट गाइस ये वाला मैंने नहीं देखा था फायर वाटर, तो चलो ये वाला आप लोग को दिखाते हैं। यस Let's fuse them and देखते हैं गाइस ये दोनों अभी फ्यूज होकर के क्या बनेंगे, ठीक है? Let's find out, come on। क्या बनेंगे गाइस? Okay guys, guys एक मिनट गाइस, ये वाला ज्यादा सही लग रहा है ना? I think guys ये वाला ज्यादा सही लग रहा है क्योंकि guys इसमें चार्मेंडर का ये है कलर है, शेल भी है guys, शेल भी है जैसे कि देख पा रहे हो guys, स्क्वर्टल का शेल है। ओके तो चलो गाइस देखते हैं ये क्या कुछ कर सकता है। फायर और वाटर, ये कॉम्बिनेशन काफी ऑसम होने वाला है। एंड गाइस आई थिंक मुझे इसी को लेकर के अभी फाइट कराना चाहिए। तो टोरेंट ब्लेज पावर ऑफ फायर टाइप मूव, एंड ये क्या करेगा पावर ऑफ वाटर टाइप मूव। तो गाइस यहाँ पे तो फायर और वाटर दोनों है, तो क्या गाइस मुझे टोरेंट रखना चाहिए? क्योंकि गाइस अभी मैं ब्रॉक के साथ फाइट करने वाला हूँ तो वाटर जरूरत पड़ेगा। एंड गाइस ये क्या है? ओके न्यूट्रल नेचर, ये रखते हैं। ओके डन गाइस, कंबाइंड मूव सेट करते हैं। ओके रिप्लेस स्क्रैच विथ, नहीं स्क्रैच तो टेल व्हिप का जगह मैं स्क्रैच रखना चाहूँगा। ओके एंड ग्रोल, नहीं ग्रोल नहीं चाहिए ब्रो। यस एंड एम्बर, क्या क्या हो गया? ओके एम्बर आएगा अभी, एम्बर रखेंगे गाइस आई थिंक विदड्रॉ के जगह। ओके विदड्रॉ के जगह मैं एम्बर रखूँगा। स्मोक स्क्रीन नहीं रखना है गाइस, स्मोक स्क्रीन नहीं रखना है। ओके आई थिंक गाइस डन। अब गाइस और एक चीज़ करूँगा गाइस, अब मैं वीडल को बीड्रिल बनाने वाला हूँ। एंड गाइस बीड्रिल बना करके गाइस मैं आई थिंक गाइस पीजी के साथ करने वाला हूँ फ्यूज, ठीक है? बट गाइस एक मिनट, इसको भी तो अनफ्यूज कराना पड़ेगा ना, पहले तो इसको अनफ्यूज करते हैं। ओके जल्दी से अनफ्यूज हो जा ब्रो। ओके अब एक काम करेंगे, फटाक से यहाँ पे रेयर कैंडी यूज करने वाला हूँ वीडल के ऊपर। 8 ओ यू वीडल इज इवॉल्विंग, कौन से लेवल पे ये इवॉल्व होता है गाइस? ओ ये ककुना बनेगा ना? एंड बीड्रिल कौन से लेवल पे बनता है गाइस? एक मिनट मोबाइल में चेक कर लेता हूँ जब तक ये इवॉल्व होता है। लेवल 10 में ही बीड्रिल बन जाएगा गाइस, लेवल 10 में ही बीड्रिल बन जाएगा। तो चलो गाइस और एक लेवल के बाद शायद से बीड्रिल बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? यस गाइस बीड्रिल, यस मजा आने वाला है ब्रो, जल्दी से बन जा, जल्दी से जल्दी से। बट गाइस ये बग टाइप पोकेमॉन है ना, ये बग टाइप है, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, मैं बग फ्लाइंग बनाऊंगा ना फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्विंडल कुछ ना कुछ सीखा। ओके लेवल 14 तक तो डेफिनेटली लेकर के जाएंगे। फ्यूरी अटैक सीखा ये, तो गाइस आई थिंक फ्यूरी अटैक हार्डन का जगह में रखने वाला हूँ। ओके ओके डन डन, 12 13 14 15। अच्छा रेज, रेज भी सिखाई देते हैं गाइस क्योंकि रेज काफ़ी ओपी मूव है गाइस। पॉइजन स्टिंग नहीं, फ्यूरी अटैक रेज, और गाइस रेज रखेंगे गाइस, फ्यूरी अटैक से अच्छा है गाइस ये रेज। तो यस ओके 14। आप गाइस चलो पीजी को इवॉल्व करते हैं। ओके इसने गस सीखा गाइस। ओके 11 12 13 एंड आई थिंक गाइस अब ये इवॉल्व होने वाला है। 16 में होता है शायद, कब होगा गाइस? अरे गाइस पीजी तो ओके व्हर्लविंड सीख रहा है गाइस। ओके ओके कौन सा वाला मूव हटाऊं? सैन अटैक हटा देते हैं गाइस। ओके चलो 18 पहुंच गए, अब गाइस ये इवॉल्व होगा गाइस। पीजी लेवल 18 में
पिजियोट बनता है ना, पिजियोट था कि एक मिनट, पिजी कौन सा था, पिजी कौन सा था यार, पिजी का इवोल्यूशन फॉर्म कौन सा था, पिजियोटो, यस पिजियोटो, फिर पिजियोट बनता है, यस 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 ओके। आपका इसमें मजा आने वाला है, आपका इसमें बीड्रियल बोल रहा हूँ, बीड्रिल और पिजियोट को फ्यूज करने वाला हूँ। रेयर कैंडी अभी 11 है, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, रेयर कैंडी आ जाएंगे, ठीक है ओके। तो अब फिर से बैग में जाते हैं, डीएनए स्प्लाइसर यूज करते हैं, डीएनए स्प्लाइसर ओके, ये है डीएनए स्प्लाइसर। ऑलराइट नाउ बीड्रिल और गाइस पिजियोट को मैं फ्यूज करके देखने वाला हूँ। अरे बाप रे गाइस, ये वाला देख सकते हो, फ्लाइंग पॉइजन, बग फ्लाइंग नहीं गाइस, फ्लाइंग पॉइजन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि गाइस बग टाइप ब्रॉक के जिम में बिल्कुल बेकार होगा। गाइस बन जा जल्दी से बन जा, क्या बनाएगा गाइस ये, माय गॉड गाइस, ये फ्यूजन काफी ओपी लग रहा है गाइस, लिटरली गाइस ये फ्यूजन मेरे को अच्छा लग रहा है गाइस। बट इसका बॉडी थोड़ा सा और सही होता तब अच्छा लगता यार, बट इट्स ओके गाइस, यही फ्यूजन रखेंगे ठीक है, स्वार्म रखेंगे गाइस। मुझे तब पता है बग टाइप मोब्स इन अ पिंच प्रिवेंट्स अदर पोकेमॉन फ्रॉम लर्निंग एक्यूरेसी, ये करते हैं बट चलो यही करते हैं। और ये बोल्ट स्पेशल अटैक और ये, हाँ कंबाइन मूव सेट रखेंगे, टैकल तो नहीं चाहिए ब्रो, यस और रॉयल विन, यस डेफिनेटली सिखाना पड़ेगा। रॉयल विन किसके जगह सिखाऊँ, ट्विंडल का जगह, नॉर्मल टाइप रॉयल विन नहीं सिखाएंगे गैस, फ्लाइंग टाइप नहीं है ना, गस सिखाएंगे गैस, फ्लाइंग टाइप मूव है। स्ट्रिंग शॉट नहीं चाहिए तो गस रखेंगे उसके जगह। क्विक अटैक भी नहीं चाहिए ब्रो, ओके सब कुछ हो गया। अब गाइस मैं बिंडास फाइट कर पाऊंगा, अब तो गाइस ये ब्रॉक बचेगा नहीं, एंड गाइस आज मुझे रॉक टाइप बैज मिलेगा ही मिलेगा, लेट्स गो बॉय, अब मजा आने वाला है ना गाइस, अब मैं फाड़ के रख दूंगा, लेट्स गो। एंड गाइस और एक चीज कर लेता हूँ, और वो चीज है कि गाइस मेरे पास ना मथ स्लैब था, ओ गाइस मेरा मथ स्लैब खत्म हो गया क्या, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, ऐसा ही फाइट करना पड़ेगा ब्रॉक के साथ, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। अब गाइस एक काम करूंगा, मैं चार्टल को पहले नंबर पे भेजूंगा गाइस, ओ इसका नाम चार्टल है ओके। चलो चलो जी फाइट करते हैं, आई नो यू आर ब्रॉक एंड तेरे पास ऑनिक्स और डिग्लेट का फ्यूजन फॉर्म है, ठीक है आज तू हारेगा, यू यस न्यू ओके। जो मेरा पहला पोकेमॉन होने वाला है वो है गाइस चार्टल, एंड जो दूसरा है वो है गाइस पीजी ड्रिल, ठीक है अब मजा आने वाला है, अब तो गाइस ब्रॉक की खैर नहीं गाइस, ब्रॉक तो अभी हारने वाला है एंड मजा आने वाला है गाइस, चलो हराते हैं इस ब्रॉक को। आजा ब्रॉक भेज अपने पोकेमॉन को, जियोगे को भेजा गाइस जियोगी, मैं चार्टल को भेज रहा हूँ, आप देखते हैं गाइस ये कैसे बचेगा। फाइट एंड टूटो गियो भाई, वाटर गन और वन शॉट बोल्ट, यस आराम से वन शॉट बोल्ट दिया ब्रो, आराम से 131 एक्सपी पॉइंट्स मिला। अब ये कौन सा भेज रहा है, अच्छा आई वांट टू स्विच माय पोकेमॉन एंड मैं पिगी ड्रिल को भेजने वाला हूँ, चल तू आ जा एंड जा पीजी ड्रिल, तू जा गाइस आ गया है पीजी ड्रिल। अब गाइस डिग्निक्स के साथ अभी बैटल होने वाला है, मैं गर्ल्स यूज करने वाला हूँ गाइस, एंड ये तो वन शॉट बोलेगा, अरे नहीं नो, अरे फ्लाइंग टाइप यूजफुल नहीं था क्या, ओ फ्लाइंग टाइप आई थिंक यूजफुल नहीं था, रेज मारो क्या इसके ऊपर, चलो गाइस रेज मारते, रेज से भी कुछ नहीं हुआ गाइस, ये रॉक टूम यूज कर रहा है मेरे ऊपर, मेरे को फटका पड़ेगा ब्रो, मेरे को फटका पड़ेगा, सुपर इफेक्टिव मूव था ना, ओके ओके मेरा अटैक रोज हो गया, मेरा स्पीड फेल हो गया, लेकिन बग टाइप से इसको कुछ भी नहीं होगा गाइस, बग टाइप से इसको कुछ भी नहीं होगा, बट चलो स्टिल मैं गस यूज करने वाला हूँ, रॉक टूम फिर से यूज कर रहा है, शायद से मैं हार जाऊंगा, मैं हार गया ये ओनो ओनो गाइस, अब सब कुछ निर्भर है गाइस अपने चार्टल के ऊपर, देखते हैं गाइस अब चार्टल कर पाएगा कि नहीं गाइस, ये ब्रॉक तो काफी खतरनाक निकला यार, चलो गाइस वाटर, अरे अरे मत 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 मत, नो 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 नो, ओके ओके बच गया हूँ बच गया हूँ बच गया हूँ, वाटर गन जीत गए गाइस, और ये पॉसिबल हुआ ओनली बिकॉज ऑफ गाइस चार्टल, ठीक है मजा आ गया ब्रो, ओके 1400 पोकी बॉक्स फॉर विनिंग, एज प्रूफ ऑफ योर विक्ट्री हियर इज द बोल्डर बैच गाइस, मुझे मिल चुका है गाइस बोल्डर बैच, एंड गाइस मुझे रॉक टूम भी मिल गया गाइस, अब मैं ये रॉक टूम सिखाने वाला हूँ किसी एक पोकेमॉन को जो सीख पाएगा। There are all kinds of trainers in the world. You appear to be very gifted as a Pokemon. Go to the gym in Cerulean and test your abilities. Bolt obtain one premium Wonder Trade ticket. Pata nahi guys, ye Wonder Trade ticket kya cheez hai? Congrats on winning your first gym badge.
दैट फाइट वॉज इनक्रेडिबल. अच्छा इन लोग के पास से गुजरेंगे तो ये लोग बोलेंगे ओके वाओ यू आर इवन हॉटर देन ब्रॉक, द फाइट वॉज अमेजिंग, थैंक यू सो मच. ये पहले भी बोलते थे क्या? नहीं नहीं, ये फैन मेड गेम है ना, तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं शायद. ऑल राइट, मुझे मिल चुका है गाइज अपना पहला बैच. अब मैं फटाक से जाने वाला हूँ गाइज पोकेमॉन सेंटर, एंड पहले तो हिलअप करा लेते हैं अपने पोकेमॉन्स को, ठीक है? ओके नर्जॉय फटाक से हिलअप करा दो. यस यस, गो ऑन गो ऑन गो ऑन. यस एंड नाउ गाइज घड़ी आ गया है जब गाइज मैं चार्मिलियन बनाने वाला हूँ एंड गाइज स्क्वर्टल को वॉर टोटल बनाने वाला हूँ, ठीक है? एंड पहले तो सेव करते इस गेम को. ओके गाइज सेव इज डन. अब चलो गाइज मेन चीज करेंगे, बैग में जाएंगे डीएनएस स्प्लाइसर के मदद से इन दोनों को अनफ्यूज कराएंगे. यस अनफ्यूज, जल्दी से हो जाए. अब गाइज चार्मेंडर बनने वाला है गाइज चार्मिलियन, एंड गाइज स्क्वर्टल बनने वाला है गाइज वॉर टोटल. तो पहले ये लेवल 16 में ही बनेगा शायद. यस ये बन गया गाइज, मजा आने वाला है. ये देखो ये देखो ये देखो. यस 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 यस, बन जा ब्रो, बन जा बन जा बन जा. बन गया है गाइस चार्मिलियन, मजा आ गया गाइस. चार्मिलियन तो बन गया. चलो अब गाइस इसको इवॉल्व कराते हैं. ये भी लेवल 16 में ही बनता है गाइस वॉर टोटल. ओके ये बाइट सीखना चाहेगा गाइस. बाइट सिखाऊं क्या? ये डार्क टाइप मूव है, विथड्रॉ के जगह आई थिंक गाइस बाइट ही बेहतर रहेगा. तो चलो गाइस, यस आई एम गोना टीच हिम गाइस बाइट. एंड गाइस स्क्वर्टल भी इवॉल्व हो रहा है, जल्दी से वेल्प हो ले बेटे. यस कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मजा आने वाला है गाइस. अब तो पूरा मजा आने वाला है गाइस. अब इसका जो फ्यूजन वाला फॉर्म होने वाला है वो भी काफी खतरनाक होने वाला है. मैं स्क्रीनशॉट मार लेता हूँ. ओके मजा आने वाला. अब गाइस इन दोनों को फ्यूज करेंगे एंड इन लोग का फ्यूजन फॉर्म होने वाला है सुपर से ऊपर. लेट्स यूज डीएनएस स्प्लाइसर. ओके वाटर टर्टल और ये चार्मिलियन. तो गाइज यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो एक वाटर फायर एक फायर वाटर, दोनों ही करके देखेंगे. पहले ये देखते हैं. चलो गाइज लेट्स फाइंड आउट. ओके गाइस ये वाला कैसा बनेगा गाइस? बन 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 ले बन ले बन ले बन ले बन ले. गाइस क्या ओपी दिख रहा है ब्रो, वार्मिलियन बन गया गाइस ये. ऑलराइट ऑलराइट, फायर टाइप वाटर टाइप, अरे यार कुछ भी बन ले ब्रो. कंबाइन मूव सेट ही रखेंगे बट 12 हिप तो नहीं सिखाना है. यस और भी कुछ नया मूव, वाटर गन तो डेफिनेटली सिखाना है. पर गाइज ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? मुझे वैसे भी और एक फॉर्म देखना है इन लोग का, फिर मैं डिसाइड करूँगा कि कौन सा वाला रखना है कौन सा वाला नहीं, ठीक है? ओके अब मैं फिर से अनफ्यूज करने वाला हूँ. फ्यूज अनफ्यूज फ्यूज अनफ्यूज यही कर रहा हूँ तब से यार. ओके अनफ्यूज करके देखेंगे वो दूसरा वाला फॉर्म कैसा दिखेगा. आई थिंक गाइज दूसरा वाला फॉर्म ना आई थिंक थोड़ा सा चार्मिलियन जैसा दिखेगा, थोड़ा सा दिखेगा, ऑरेंज कलर का होगा डेफिनेटली. ऐसा ही होने वाला है शायद से, देखते हैं गाइस. ओके फिंगर्स क्रॉस्ड. अरे अरे नहीं 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 गाइस नहीं, ये छोटा दिख रहा है गाइस. चार टोटल गाइस, वो पहला वाला फॉर्म ही मेरे को अच्छा लग रहा था यार. सीरियसली बताएं तो वो पहला वाला फॉर्म ही मेरे को अच्छा लग रहा था. तो कीप यही रखते हैं. अब गाइस मैं फिर से इन लोग को अनफ्यूज करने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि गाइस वो पहला वाला फॉर्म मेरे को काफी अच्छा लग रहा था, वो पहला वाला फॉर्म ही रखेंगे. तो फटाक से ये चीज कर लेते हैं, आप लोगों से मिलते हैं. 20 minutes later. Guys, guys, I am good to go. अब गाइस मुझे यहाँ पे क्वेस्ट करना पड़ेगा. उस क्वेस्ट को करने के बाद ही गाइस मैं इधर से निकलने वाला हूँ, ठीक है? पहले तो मुझे बेंच में ढूंढना पड़ेगा रिवाइव. इस वाले बेंच पे नहीं है तो कौन सा वाले बेंच पे हो सकता है गाइस? इस वाले बेंच पे होगा क्या? और रिवाइव मिल चुका है गाइस. एक क्वेस्ट तो हो चुका है कंप्लीट. अब गाइस दूसरा क्वेस्ट क्या था? मैंने बैग में जाते हैं. क्वेस्ट डायरी कहाँ पे था? यह है क्वेस्ट जर्नल. चलो देखते हैं. ऑन गोइंग 5 बग इवोल्यूशन दिखाना है, मशरूम गैदरिंग करना है, लॉस्ट मेडिसिन हो गया, बग इवोल्यूशन दिखाना है ना. बग इवोल्यूशन भी दिखा देंगे. चलो गाइस बग इवोल्यूशन दिखा देंगे. मैं घुसता हूँ होटल पे, एक क्वेस्ट करके निकलते हैं, ठीक है? चलो ये क्या देंगे मेरे को? कुछ ना कुछ तो मिलेंगे इन लोगों से. अब मुझे ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, होटल में स्टे नहीं करना है. अरे क्या कर रहा हूँ? ओके इन लोग का रूम यहाँ पे था ना. आप किसको चाहिए था? लॉस मैंने इसका ना. यस आई हैव फाउंड योर रिवाइव्ड. ओके क्या मिला गाइस मुझे? फ्रस्ट्रेशन करके गाइस एक मुझे टीएम मिला. चलो एंड इसको दिखाना है बग इवोल्यूशन. ओके ओके आई विल शो यू डेफिनेटली. यस तो यही देख ले ब्रो, दिस पोकेमॉन कैन बी चूजन. अच्छा तो गाइस मुझे एक काम करना पड़ेगा, इन लोगों के लिए
फिर से गाइज मुझे DNS प्राइसर का यूज़ करके इन दोनों को कराना पड़ेगा अनफ्यूज। अरे यार गाइज ये फ्यूज़ अनफ्यूज सर ठीक है, बट गाइज फिर से ये जो मूव सेट ठीक करना पड़ता है ये चीज़ मेरे को काफ़ी बोर लग रहा है यार। ओके देख ले ये देख ले, इट्स सो बिग इट्स लाइक द अल्टीमेट बग पोकेमॉन। हे आई वांट यू हैव दिस, आई फाउंड इट ऑन द साइड ऑफ द रोड। क्या मिला? देन पीने को। अब ये पीने को क्या चीज़ है ब्रो? वुड यू लाइक, व्हाट द हेल गाइस, ये पीने को आई थिंक एक पोकेमॉन है। आई थिंक गाइस ये पीने को पोकेमॉन है। चलो गाइस मैं फ्यूज कर लेता हूँ फटाक से। गाइस इस बार ये वाला देखूं क्या गाइस, बग फ्लाइंग एक बार देखते हैं ठीक है, ये कैसा दिखेगा वो भी देख लेते हैं है ना। मैंने ब्रॉक के लिए गाइस फ्लाइंग पॉइजन करा था, बट गाइस बग फ्लाइंग ये तो मैंने देखा नहीं था ना। बो गाइस मुझे ये रखना चाहिए गाइस, ये दिखने में काफ़ी ओपी लग रहा है ना गाइस। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करना कि पहला वाला रखना चाहिए कि ये वाला रखना चाहिए। मेरे को ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। रेजिस इवेजन इफ द पोकेमॉन इज कंफ्यूज, ओके एंड ये न्यूट्रल नेचर, ओके। तो गाइस आप लोग मुझे डेफिनेटली कमेंट करना इसके बारे में। ट्विंडल ये बग टाइप मूव तो एक रखना ही पड़ेगा टैकल का जगह। गाइस ये ट्विंडल रख देंगे। फ्यूरी अटैक आई थिंक गाइस सैंड अटैक के जगह मैं फ्यूरी अटैक रखने वाला हूँ। रेज क्विक अटैक के जगह रखने वाला हूँ। डन बिडेटो गाइस, उसका आप लोगों ने नाम देखा बिडेटो। चलो गाइस अब सेरुलियन सिटी जाते हैं, देखते हैं गाइस सेरुलियन सिटी में क्या होने वाला है। अब ये क्या हो गया? इट्स मी प्रोफेसर ओक असिस्टेंट, आई वॉज डूइंग सम फील्ड वर्क अराउंड हियर एंड आई केम अक्रॉस समथिंग इनक्रेडिबल। क्या मिला? यू हैव रियली गॉट टू सी दिस। अच्छा जी कुछ ना कुछ तो मिला होगा शायद। इट सीम्स लाइक देयर इज एन आउटब्रेक ऑफ वाइल्ड पोकेमॉन विद हिडन एबिलिटीज ऑन दिस रूट। ओके I saw one of them in this very patch of grass. You'll be able to tell at the start of battle if a Pokemon has his hidden ability. This is a very rare event. We are lucky to be witnessing it so close to home. But I don't expect it to last for a very long time either. So you should try to catch one of these rare Pokemon while you still have the chance. Achcha ji, well I'm headed to Cerulean City for some field work, so I better get going. It's right on the other side of Mount Moon. Maybe I will catch you there. Good luck with your Pokemon League challenge. Thank you so much. So guys, yahan pe kuch na kuch event ho raha hai. To kya event ho raha hai guys? Ek minute main dekhta hu yahan pe kuch Pokemon milega kya mujhe. Fierro guys mila. Chalo guys, Fierro ko pakad lete kyunki guys ye Spearow banega. Are guys, ये क्या पोकेमॉन मैंने निकाल दिया? हिप्नोसिस यूज़ करते हैं। चलो गाइस इसके ऊपर ये लियर यूज़ करें, मैं इसके ऊपर यूज़ करने वाला हूँ। अरे अटैक ही मिस कर दिया ब्रो तूने। ये फिर से ग्रॉल यूज़ कर रहा है गाइस, मैं यूज़ करने। अरे यार ब्रो ये पैक मार रहा है मेरे ऊपर, मैं स्क्रैच मार रहा हूँ इसके ऊपर। ये कुछ भी नहीं कर पाएगा गाइस, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा गाइस। ये अपना नीडो हुड बेकार है गाइस, उससे अच्छा गाइस मैं इसको नीडो रैन ही बना दूंगा ठीक है। आई थिंक ये नीडो किंग बनेगा ना। आई डोंट नो गाइज ये क्या बनेगा। मैं ना एक फटाक से काम कर लेता हूँ, इसको पकड़ लेता हूँ गाइज, मुझे चाहिए ये। आ जा ब्रो स्पियरो जल्दी से। 1 2 3 डन, आ गए गाइज। 90 एक्सपी पॉइंट्स मिल गया। ये लेवल 6 नहीं बना लेकिन नॉर्मल फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन। नो आई डोंट लाइक टू गिव यू माय नेम। अब गाइस एक काम करेंगे, फटाक से पोकेमॉन को स्विच कर लेते हैं। बिडेटो को सामने भेजो क्या? बिडेटो को सामने भेजेंगे एंड दूसरा वार्मिलियन एयर सेकंड में आएगा ही वैसे। अब गाइस यहाँ पे पोकेमॉन का इवेंट यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, समझ में नहीं आ रहा है गाइस। यहाँ पे फिर से एक बार देखते हैं कौन सा वाला पोकेमॉन निकलता है। ओके नीडोरैन निकल रहा है, बिडेटो आ गया है गाइस इधर। आप गाइस यूज करते ट्विंडल, पता नहीं गाइस ये ट्विंडल क्या चीज़ है। ओके ओके अरे गाइस और एक बार मारेगा शायद से। ओके पैक मार रहा है गाइस। ओके गाइस आप इसको उड़ाते हैं गाइस गस के मदद से। खत्म गाइस खत्म, उड़ा के रख दिए गाइस। इधर तो नहीं जा पाएंगे एंड इधर भी नहीं जा पाएंगे राइट। आप गाइस मुझे ट्रेनरों के साथ बैटल करना पड़ेगा। आ जाओ बैटल करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो डेफिनेटली गाइस मैं बैटल करना चाहूँगा। म्यूडल ऑल राइट ब्रो। तो गाइस ये गाइस मियाउट और गाइस वीडल का आई थिंक फ्यूजन फॉर्म है। तो यहाँ पे वीडल है ना, तो गाइस ये फ्लाइंग टाइप मूव काफ़ी काम आएगा, सुपर इफेक्टिव होगा ना। बग बाइट यूज़ कर रहा है, बग टाइप मूव मेरे ऊपर काम नहीं आएगा दोस्त। चलो फ्यूरी अटैक यूज़ करते हैं। उरु अटैक मिस, ये बाइट यूज़ कर रहा है मेरे ऊपर। आप गाइस चलो ट्विंडल यूज़ करते हैं, ये ले और एक बार मारेगा। खत्म। यस गाइस खत्म।
अब गाइस इसके साथ भी बैटल करना पड़ेगा। आजा ब्रो, आजा आजा आजा, तुम दोनों के उड़ाएंगे, कोई इतना टेंशन वाला बात नहीं। पिडेटा आ गया गाइस, ये काफ़ी बेकार है गाइस ये पिडेटा। मैंने बनाया था ये फ्यूजन फॉर्म, बट गाइस मेरे को अच्छा नहीं लगा। गस गस काम नहीं आएगा शायद से, थोड़ा बहुत डैमेज है। ये भी गस यूज़ कर रहा है मेरे ऊपर, सुपर इफेक्टिव इसलिए क्योंकि गाइस मेरे पे बक का फ्यूजन फॉर्म है ना, फ्यूरी अटैक यूज़ करते, और अटैक मिस कर दिया, परस्यूट यूज़ कर रहा है गाइस। ओके गाइस, क्या ये मेरे को हरा देगा? मैं रेज यूज़ करूँगा इसके ऊपर, ये ले। अरे गाइस ये मेरे को शायद से हरा देगा, मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि ये मेरे को हरा देगा। ओके ओके, क्या यूज़ करूँ गाइस? गस्त ही यूज़ करना पड़ेगा। हरा दिया गाइस, फाइनली हरा दिए। अब एक काम करेंगे, फटाक से पोकेमॉन को स्विच कर लेता हूँ, ठीक है। वार्मिलियन को पहले नंबर स्पॉट पे भेजेंगे। ऑलराइट गाइस, वार्मिलियन तो फाड़ के रख देंगे ब्रो, अपना यू वार्मिलियन अभी सबसे स्ट्रांग पोकेमॉन है। अब गाइस यार ब्लू के साथ बैटल करने में मजा ही आ जाएगा गाइस। अब तो मैं ब्लू को ढोबी पछाड़ देने वाला हूँ लिटरली गाइस। ये मेटापॉट को भेज दे रहे, गलती करा भाई। मेरे पास 6 के 6 पोकेमॉन है। ये आ गया है वार्मिलियन, अब यूज़ करते हैं एम्बर। वन शॉट बोलते ब्रादर, खत्म। और भी कुछ पोकेमॉन है क्या तेरे पास? ओके क्या भेज रहे गाइस? कोल्टन को भेज रहे? नो, ये कोल्टन आई थिंक, अरे कोल्टन गाइस आई थिंक एकेंस और कैटरपी का इवोल्यूशन फॉर्म होगा। ओके एंड थर्ड पोकेमॉन क्या है? विंस। अरे गाइस ये विडल और एकेंस का फिर से इवोल्यूशन फॉर्म है। फिर से गाइस एम्बर से ही इन लोग को उड़ाना पड़ेगा। ओके हरा दिया, मजा आ गया गाइस। अब चलो गाइस इसके साथ बैटल करेंगे गाइस। कितने के साथ बैटल करना पड़ेगा, कितनों के साथ बैटल करना पड़ेगा यार? ओके क्या भेजोगे? पोलीहुट। अरे बाप रे गाइस, ये अद्भुत प्राणी यहाँ पे आ गया गाइस, पोलीहुट। अब गाइस मैं इसके ऊपर वाटर गन से तो मार नहीं पाऊंगा, एम्बर मारते हैं गाइस। अच्छा मैंने स्क्रैच यूज करा क्या? कंफ्यूजन यूज कर रहा है गाइस। ओके ओके चलो एम्बर मार के देखते हैं गाइस। वाटर पोकेमॉन है ना, नॉन वेरी इफेक्टिव हो गई। ओके गाइस, अब गाइस शायद से मैं वाटर गन मार के देखूंगा इसके ऊपर, आई थिंक ये हार ही जाएगा। नहीं 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 गाइस, अरे गाइस ये तो मेरे को टक्कर दे रहा है यार, पर गाइस मैं इसको हरा पाऊंगा गाइस। स्क्रैच ही मारना पड़ेगा इसको एंड खत्म। पोलीहुट को भी मैंने डिफीट कर दिया। अब गाइस ये लेवल 17 का होने वाला है। यस गाइस लेवल 17 का हो चुका है। फायर फैंग, डेफिनेटली गाइस फायर फैंग मैं सिखाऊंगा गाइस। बबल के जगह मैं फायर फैंग रखने वाला हूं, क्योंकि डो वाटर टाइप मूव्स नहीं चाहिए एंड बाइट सीखना चाहता है, डार्क टाइप मूव। स्क्रैच के जगह मैं बाइट को रखना चाहूंगा। यस डेफिनेटली। ओके मजा आ गया गाइस। चलो गाइस अब तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे एक पोकीबॉल है, वो भी लेके निकलते हैं। पेकाबेरिया रे, पेकाबेरी के लिए मैं इधर तक आ गया हूँ। चलो इसके साथ अभी बैटल कर ही लेते हैं। आ जा आ जा बड़ी, कोई टेंशन वाला बात नहीं, मैं तेरे साथ बैटल करना चाहूँगा। ओके कितना डोप होगा मनसे। कैटरपी, ओके कैटरपी आ गया है। वार्मिलियन जाओ गाइस, अब मैं फायर फैंग यूज करने वाला हूँ इसके ऊपर। ऑल राइट गाइस, मैंने फायर फैंग यूज करा है। इसी के साथ गाइस ये हो गया फिन। अब देखते हैं डिस्टर्ब पोकेमॉन। ओके कैचर जेम्स इज अबाउट टू सेंड ए न्यू पोकेमॉन। अरे नहीं नहीं स्विच नहीं करना है ब्रो। कैटरस, ओके ये पता है कौन से? अच्छा गाइस आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ये वाला जो कैटरस है ये कौन कौन से पोकेमॉन से बना है, आप लोग को ये चीज कमेंट करना पड़ेगा। चलो गाइस मैं तो एम्बर मार के इसको उड़ा देता हूँ, ठीक है। बहुत ही ईजी है गाइस, अगर आप लोग पोकेमॉन फैन हो तो इस फ्यूजन के बारे में आप लोग को मालूम चलेगा, ठीक है। एक तो बता देता हूँ गाइस, एक कैटरपी और दूसरा पोकेमॉन कौन सा होने वाला है, बाकी दूसरे पोकेमॉन के बारे में आप लोग कमेंट कर सकते हो मुझे। यू लुक दैट मी डिडंट यू? चलो गाइस इनके साथ भी बैटल करके देखते हैं। ओके आ जाओ बेटे, स्पीयर को भेजा। ओके मैं वार्मिलियन को भेज रहा हूँ। अब गाइस मैं यूज करने वाला हूँ गाइस फायर फैंग। खत्म खत्म, यस खत्म। ओके दूसरा पोकेमॉन कौन सा होने वाला है? नो ही करते हैं। चलो पिकाचू, और गाइस ये पिकाचू और गाइस निडोरन का गाइस फ्यूजन फॉर्म है, बट गाइस ये पिकाचू के साथ निडोरन को नहीं करना चाहिए था यार, नहीं करना चाहिए था लिटरली गाइस। अच्छा नहीं दिख रहा है यार, मैं यार बाइट मार के इन लोग को उड़ाता हूँ। चलो खत्म। ओके इनको भी हरा दिया फाइनली। चलो गाइस इधर से निकलते हैं। गाइस कितनों के साथ बैटल करना पड़ेगा यार? यहाँ पे एक पोकीबॉल है, ले लेता हूँ। पैरालाइज हिल मिला गाइस मुझे। यहाँ पे कुछ पोकेमॉन अनोखा शायद से मुझे मिल सकता है, देखते हैं। निडोरन, निडोरन नहीं चाहिए, बट चलो इसको हरा करके निकलेंगे, ठीक है। फायर फैंग यूज़ करेंगे इसके ऊपर। एंड गाइस इसको मैंने हरा दिया। चलो गाइस एक बार लास्ट मुकाबला कर ही लेते हैं, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है ठीक है, मुझे फाइट करना है तुमसे। चलो फाइट कर लेते हैं, आ जाओ देखते हैं। एक ही पोकेमॉन है पिकापफ, शायद से गाइस
इधर मुझे पिकाचू मिल सकता है, ठीक है? एंड गाइस ये जिग्लीपफ और पिकाचू का इवोल्यूशन फॉर्म है, आई मीन फ्यूजन फॉर्म है। बाइट से कुछ भी काम नहीं आया। आई थिंक गाइस वाटर गन मारना, अरे वाटर गन कैसे मारेंगे गाइस, ये तो इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। बट गाइस वाटर गन से डैमेज तो पड़ा यार। एंड गाइस मैंने पिका बफ को हरा दिया, ठीक है? बट गाइस पिकाचू के स्टैटिक ने मेरे को पैरालाइज कर दिया। गाइस खतरनाक चीज हो गया यार। ओके चलो गाइस अब कहां पे आ गया हूं देखते हैं, ये कौन सा रूट है यार। ओके वांट टू लिसन टू योर म्यूजिक व्हाइल प्लेइंग द गेम, यू कैन टर्न डाउन द गेम्स म्यूजिक इन द ऑप्शन मेनू। ओके चलो एक बार इधर घुस के देखते हैं। मैंकी पकड़ना है गाइस मुझे, मैंकी को। मेरे पास फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है नहीं, तो डेफिनेटली गाइस आई शुड गो विथ मैंकी, ठीक है? मुझे पकड़ना है मैंकी को। बट गाइस एक चीज डर लग रहा है, अगर मैं इसको कोई पावरफुल मूव मारूंगा ये मरवर जाएगा क्या? चलो, अरे यार मैं तो मूव ही नहीं कर पा रहा हूँ, फोकस एनर्जी कर रहा है, मैं बाइट यूज कर रहा हूँ। अरे मर जाएगा सच, यस गाइस मर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, मैं मैंकी को बाद में पकड़ लूंगा। पहले यार पोकेमॉन सेंटर जाते हैं, हील अप करते हैं अपने आप को। ओके गाइस यहाँ पे कितना भीड़ है। अरे वेयर इज नॉट जॉय, इधर तो नॉट जॉय है ही नहीं, व्हाट बट व्हाई। हेलो डियर, हैव आई गॉट अ डील जस्ट फॉर यू, आई विल लेट यू हैव दिस रेयर मैजिक कर्ब हियर फॉर जस्ट 500। अरे चाहिए मैजिक कर्ब यार। गाइस मुझे मिल गया मैजिक कर्ब, क्योंकि गाइस इसको 11 डोज बना पाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग 11 डोज देखने वाले हो, ठीक है? मैं डेफिनेटली गाइस 11 डोज बनाने वाला हूं। एंड गाइस मैं 11 डोज को लेकर के जाने वाला हूं, इन लोगों से पूछता हूं क्या हो गया। ऑल माय पोकेमॉन टुक ए सीरियस बीटिंग फ्रॉम डोज थग्स बट नो वन हियर्स टू हील देम। अच्छा गाइस वहां पे कुछ ठग होगा शायद से, मैं ना मैजिक कर्ब को ले लेता हूं, ठीक है? मुझे चाहिए गाइस मैजिक कर्ब। विथड्रॉ पोकेमॉन करते हैं, अरे डिपॉजिट पोकेमॉन करना पड़ेगा। जो पोकेमॉन मुझे नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए, बॉक्स वन पे स्टोर करेंगे। स्पियरो ने पोलीवैग नहीं चाहिए। एंड नाउ गाइस मैं विथड्रॉ करने वाला हूँ, शायद से गाइस मैं विथड्रॉ करूँगा इसको, लेवल 5 का मैजिक कार्ड है। चलो इसको विथड्रॉ कर देते हैं इधर। एंड यहाँ पे गाइस मुझे ये भी मिला, एक पोकेमॉन मिला, आप लोगों ने देखा ना। लॉग ऑफ करते हैं, सेव करते हैं पहले। एंड नाउ चलो गाइस पोशन यूज करके पहले तो गाइस अपने पोकेमॉन्स को रिवाइव करा लेता हूँ। नर्ट जॉय तो है नहीं, तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो गाइस मैं यहाँ पे पैरालाइज हील यूज कर रहा हूँ। एंड नाउ गाइस आई एम गोइंग टू यूज, मेरे पास और पोशन है ही नहीं इन लोग को यार हील अप करने के लिए। पैकाबेरी से क्या होगा गाइस, चलो देखते हैं। आई थिंक इससे भी हेल्थ रिकवर होगा ना। नो चलो गाइस उन गुंडों को अभी उड़ाते हैं, ठीक है? पता नहीं गाइस उन गुंडों को मैं उड़ा पाऊंगा भी या नहीं। ओके कहाँ पे क्या करना पड़ा, तुम लोग हो क्या? Come on, Geodude, you can pull through. Okay. क्या हो रहा है Geodude? ये कौन है? A group of thugs has been bullying Pokemon trainers inside Mount Moon. The Pokemon Center is completely overrun. This poor Geodude is particularly badly injured by an attack by the thugs. चलो जी चलो, ठीक है? जो भी, yes, nurse, I am here. I came as fast as I could. Okay. Brock भी आ चुका है guys इधर. Thank you so much for coming, Brock. This Geodude injuries are significant. Anyway. You might be able to treat it better than I can. You are the rock Pokemon expert after all. So of course, I will see what I can do. You say that was the doing a group of thugs that's attacking trainers. This can't be good. Achcha. Bolt, I'm glad that you are here too. You came at the right time. I will be busy treating this Geodude's injuries for now. But someone needs to go investigate who is behind all of these attacks and what they're after. Knowing your skills in Pokemon battles, I can't think of anyone else who would be more suited for the tags than you. Thank you so much. I would better go back to the Pokemon Center too. A lot of Pokemon are waiting for me. ठीक है गाइस मैं अब जाने वाला हूँ गाइस माउंट मून के अंदर। एंड गाइस उन ठग्स को मैं उड़ाने वाला हूँ, ठीक है? उड़ा देंगे गाइस, कोई इतना टेंशन वाला बात नहीं। पहले तो हील अप करते हैं अपने पोकेमॉन्स को। ओके एंड नाउ गाइस चलो इधर से निकलते हैं, मजा आने वाला है गाइस, लेट्स गो। एंड गाइस अगर मेरे पास एक पिकाचू होगा या फिर कोई एक मस्त सा पोकेमॉन। ओके अरे क्या पोकेमॉन निकल गया क्या इधर? अरे टू बैड गाइस, यही एक पोकेमॉन है जो बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं आता है यार, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। क्यों पसंद नहीं आता है? क्योंकि गाइस ये बहुत इरिटेटेड है गाइस, बहुत इरिटेट करते हैं ये पोकेमॉन यार गाइस, हर घड़ी हर लंबा निकलते हैं यार ये लोग, मतलब एवरी फूट स्टेप पे निकलते हैं ये पोकेमॉन यार। गाइस चलो भागते हैं अब गाइस माउंट मून में, यहाँ वहाँ पे है जिसके देख पा रहे हो।
ओके हाँ बीटिंग ऑल दिस ट्रेनर्स वाज ऑलमोस्ट टू इजी वी आर ऑलमोस्ट इनविंसिबल एज अ ग्रुप दैट्स नथिंग जस्ट वेट अंटिल द बॉस न्यू प्रोजेक्ट इज फुल्ली ऑपरेशनल वी विल बी ट्रूली इनविजिबल देन टोटली एनीवे वी शुड प्रॉब्ली गो नाउ वी हैव हैड आवर फन विद दिस वाइब्स बट अपेरेंटली इट्स स्टिल प्रीटी डीप इन टू द केव अच्छा टीम रॉकेट का काम है गाइज विल मिस इट इफ वी कीप वेस्टिंग एनी मोर टाइम हियर ओह एंड गुड थिंकिंग पुटिंग दैट रॉक इन द वे द लेजर द चांसेस ऑफ हैविंग सम रैंडम ब्रेड वंडरिंग इन द बैटर अच्छा तो गाइज मुझे अब इस पत्थर को तोड़ना पड़ेगा एंड गाइज मुझे फिर से रेयर कैंडी मिला एंड इस पत्थर को मैं शायद गाइज यार जुबैर यार परेशान मत क्या कर यार इतना परेशान क्यों करता है ब्रो चलो गाइज फायर फैंग यूज़ करते हैं इसके ऊपर अब तो ये हारेगा ही वन शॉट बोलते हैं ब्रो मुझे वो पोकेबॉल चाहिए चलो गाइज पोकेबॉल को ले लेता हूँ एस्केप ब्रो मिल चुका है नो गाइज आई हेट दिस गाइज ओह क्लेफा वॉटरमेलन आ चुका है इधर वाटर गन मारते इसके ऊपर वन शॉट बोलते चलो गाइस निकलते हैं निकलते हैं निकलते हैं अरे भाई साहब यार इतना भी मन निकल मैंने बोला ना गाइस ये जुबैर बहुत ज़्यादा परेशान करके रख देता है चलो गाइस इसको मैं अब धूल चटवाने वाला हूँ अब मैं इसके ऊपर वाटर गन मारने वाला हूँ वन शॉट बोलेंगे क्या नहीं वन शॉट तो बोल नहीं पाए बट अब मैं भी इसके ऊपर बाइट मारने वाला हूँ एंड बाइट से इसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा बट मैंने हरा दिया जैसे जैसे करके ओके लेट्स गो इसके साथ पहले करूँ क्या दे गैंगड अप अगेंस्ट मी दिस वाज़न्ट ए फेयर फाइट ओह मैन गाइस यार जियो ड्यूड जियो ड्यूड जियो ड्यूड शायद से गाइस मुझे जियोड्यूट को पकड़ना चाहिए ठीक है क्योंकि जियोड्यूट ग्रेवलर बनता है गाइस अगर मैं वाटर रॉक टाइप को यार फ्यूज करा दूंगा गाइस अगर मैं ग्यारादोस और गाइस ग्रेवलर को फ्यूज करा दूंगा तब तो बहुत मजा आएगा ना अरे बट गाइस मैंने वाटर गन यूज करा आई थिंक ये ओ मरा नहीं ओके गाइस एक काम करेंगे गाइस ये मेरे ऊपर रोल आउट यूज कर रहा है मैं काम करूंगा गाइस अपने बैग में जाता हूँ इसको पकड़ लेता हूँ यार ओके पोकेबॉल फेंकते हैं इसको पकड़ ले चलो कम ऑन जियोड्यूट यू विल बी माइंड नाउ 1, 2 and 3 इसी के साथ गाइस मैंने जियोड्यूट को पकड़ लिया ओके आ गया गाइस जियोड्यूट नो सो गाइस आज का एपिसोड में इधर ही एंड करना चाहूंगा गाइस नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे गाइस नेक्स्ट एपिसोड में कुछ रेयर कैंडीज लेकर के आएंगे 11 दोस्त बनाएंगे फिर गाइस अपने जियोड्यूट को ग्रेवलर बनाएंगे एंड गाइस अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली गाइस सब्सक्राइब एंड लाइक भी जरूर से करना ठीक है मिलते हैं गाइस लव यू टेक केयर सायो नारा